देखिए, जिस तरह से कुछ लोग एक अफवाह फैला रहे हैं, लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन जहां तक फिर लोग पता करके चेक करके देखते हैं तो वोटर लिस्ट में है, तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टी, और जो रिपोर्ट आया है कि लोग जो फ़ोन करके बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी से बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स बोल रहे हैं, तो अगर इसमें कोई सच्चाई है कि ये सचमुच आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, तो आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मतलब गलत काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक अफवाह फैला रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए आज हम आके दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर से मिले। और इसमें दो इश्यूज़ हैं, एक तो FIR जो लॉन्च हुआ है इन लोगों के अगेंस्ट, या जिस जो भी व्यक्ति इस तरह के काम कर रहे हैं उसकी पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह की कन्फ्यूजन फैलाने वाले लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। दूसरी बात ये है, इलेक्शन कमिश्नर से हमने एक ये रिक्वेस्ट किया कि इसका एक प्रॉपर एक कंसर्टेड सस्टेंड कैंपेन चलाए, एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए कि जनता को बताए कि इस तरह की कन्फ्यूजन, इस तरह की अफवाह इसमें विश्वास ना करें, खुद जाके हेल्पलाइन के माध्यम से या वेबसाइट में जाके अपना नाम चेक करें, और अगर नाम नहीं है तो उसके लिए अपना वोटर आईडी के लिए इमीडिएटली अप्लाई करें। तो इस तरह की एक सस्टेंड कैंपेन चलाना बहुत ज़रूरी है, ये बात हमने इलेक्शन कमीशन को हमने रिक्वेस्ट किया। हाँ जी जी, हमने ये रिक्वेस्ट किए हैं, और इलेक्शन कमिश्नर भी हमें बताया कि वो डेफिनेटली इस बारे में पूरी तरह से छानबीन कार्रवाई करेंगे और एक प्रॉपर कैंपेनिंग चलाएंगे, ये हमें अश्योरेंस दिया गया।